हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात यह है कि अलजेब्रा के क्वेश्चन हमारे पास है आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। आप जिनको नहीं पता क्वेश्चन आप कैसे भेज सकते हैं मेरे साथ, आप उनको फिर से बता दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज पर डायरेक्टली क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपका सोल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा। जो भी क्वेरी आप डिटेल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के डॉट वीडियो का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा चीटिंग कर ले रहा हूँ एक स्टेप लिखने में। ये आपको भी आदत डालनी होगी इस तरह से चीटिंग करने के लिए कि पावर माइनस वन लिख करके डायरेक्टली आप ये लिखते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, इस फॉर्मेट में आपका कमांड रहता है। आपसे जो निकालने बोल रहा है वो ये निकालने बोल रहा है। देखिए इधर दो जोड़ देंगे, इधर दो जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वन बाई x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आधा इसका हो जाएगा पावर, ये होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, मतलब इस साथ। फिर से दो जोड़ दें, ये कितना आ गया x प्लस वन बाई x, और इधर कितना आ गया नौ, नौ का रूट कितना आ जाता है तीन। देखिए जिनका भी क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है इसके बाद थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तब तक थोड़ा सा हम चलते हैं स्पीड के अनुसार। अब यहाँ से आप देखिए कि x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपका आंसर माइनस हुई। x स्क्वायर इधर थ्री एक्स, इधर आ जाएगा माइनस थ्री एक्स, वन चला गया उधर। x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अगर वन आ गई, आपको चाहिए कितना, आप चाहें तो या तो इसको ब्रेक कर लीजिए या फिर इसको इस तरीके से ले आइए। तो आप अगर इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस तीन दुना छह दुना बारह एक्स और प्लस नौ। यहाँ देखिए फोर अगर हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ही आ रहा है, और ये आपका कितना आ गया माइनस वन आ गया है, मतलब माइनस फोर प्लस नौ कितना हो गया फाइव। लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं करना है कि हर एक स्टेप आपको डिटेल में लिखना ही है। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देखिए। क्या लग रहा है बनेगा ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है रूट थ्री माइनस रूट टू, और आपसे फिर वही सवाल पिछले वाला सवाल आपका आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। देखिए इस ये जो क्वेश्चन है एक्स क्यू, एक्स की वैल्यू रूट क्यू मतलब रूट थ्री माइनस रूट टू, जब भी रूट में हो दोनों, या एक हो माइनस हो या प्लस हो, इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आपके सामने आता है, आप सबसे पहले दोनों को स्क्वायर करके माइनस करने की कोशिश कीजिए, क्या वन हो रहा है रिजल्ट। अगर वन हो रहा है इसका मतलब है, देखिए रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री और रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू, रूट दोनों का स्क्वायर किया माइनस किया वन आया। इसका मतलब अगर इसके प्लस वाले के साथ इसको गुना किया जाए तो क्या आएगा रिजल्ट, वन आएगा। इसका मतलब इसका किसके साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट वन आएगा, तो कहेंगे वन बाई एक्स के साथ आएगा। तो आपको डायरेक्टली ये स्टेप बता रहा हूं मैं, अगर एक्स इतना है और ये वन आ रहा है स्क्वायर करने पे माइनस करने पे दोनों, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर वन बटा एक्स जो है ये रूट थ्री प्लस। हमने क्या किया, हमने इसको चेक किया तो पता चला ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको सवाल में या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमने ये चेक कर लिया ए प्लस बी चेक किया, इसलिए दोनों को स्क्वायर करके माइनस किया, आपको रिजल्ट मिल गया वन। और आपको देखिए अगर इसकी वैल्यू वन मिल जाती है तो ए प्लस बी को आप क्या बोलेंगे एक बटा ए माइनस बी, या ए माइनस बी को क्या बोलेंगे एक बटा ए प्लस बी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस वन बाई एक्स। आप बताइए दोनों को माइनस करना, माइनस कर दीजिए माइनस टू रूट टू, अब यहीं पे क्यूब कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, दो का क्यूब कितना होता है आठ, और रूट टू का क्यूब टू रूट टू, तो कितना आ गया माइनस सोलह रूट टू प्लस थ्री, ये तो कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ गया माइनस टू रूट टू, आपका सोलह छह कितना आ गया माइनस में ट्वेंटी टू रूट टू। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए आप सिमिलर टाइप, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है अभी जो मैं
ट्रिगो स्टार्ट किया हूँ, एक ही वीडियो आपको मिला ट्रिगो में, जो सेकेंड वीडियो है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आपको आज थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हैं, कितने आसान से। दो मेथड तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये जो देखिए, ये आपको बताएगा और ये दोनों मिलकर बताएगा कि हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, या तो ये अकेले बताएगा हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो आप देख रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल बनाइए आप तीसरे क्वाड्रेंट में, हमेशा बेस होना चाहिए एक्स एक्सिस। अब इसका इस्तेमाल कीजिए, कॉस एक्स माइनस एक दो, ये कितना आ गया, दो का स्क्वायर अरे कितना आ गया, रूट थ्री। आपको पता ये तीसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ एक्स वाई दोनों नेगेटिव होगा, तो मैंने एक्स को भी नेगेटिव वाई को भी नेगेटिव डाल दिया। आप कहेंगे सर माइनस एक बटा दो में दो के साथ नेगेटिव होगा कि एक के साथ, तो आपको याद रखना इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिस हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्स नेगेटिव होगा या वाई नेगेटिव होगा, तो ये क्लियर है। अब आप पहला मेथड ये कर लीजिए कि आपको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर फोर टेन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉशिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको जब पूरा ट्रायंगल पता, आप टेन निकाल लीजिए, कॉशिक निकाल लीजिए, पुट कर लीजिए, सब रिजल्ट आपके सामने है, क्लियर। अब दूसरा मेथड देखिए जो कि इससे भी इजी है, या फिर आप देखिए इसी के बराबर है। आपको पता है कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आपको ये बात पता है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अगर तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर इस साइन को हम मिटा देंगे तो आप एंगल कितना बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये तो 60 डिग्री की बात होगी। मैं बोलूंगा बहुत सही, इसका मतलब ये 60 डिग्री ये वाला है। अब आप बताइए टेन 60 कितना होता है, तो कहेंगे रूट थ्री, स्क्वायर करना है मुझे, क्या फर्क पड़ता है, चार गुना तीन बारह, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क पड़ता है नहीं, स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस थ्री। साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, उसका उल्टा कर दीजिए, टू बाई रूट थ्री स्क्वायर कर दीजिए, फोर बाई रूट फोर बाई थ्री। प्लस में है माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेंट थर्ड है ठीक है नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया 16। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो इसको फॉलो कीजिए, ये मेथड को। ये मेथड कब काम करेगा, जब डायरेक्टली आपका ये वही दिया हो रहेगा जो जीरो पे होता है या फिर तीस पे, मतलब कहने का मतलब जो आप एंगल आप याद करके रखें जो आपको याद है, अगर उसमें से कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ है तो ये मेथड फॉलो कीजिए, वेस्ट है। और जो ये पहले वाला मेथड बताया इसमें एंगल मिले ना मिले, यहाँ तीन बटा चार कर दे, पांच बटा बारह कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली एक स्टेप में छोटा कर रहा हूं। कह रहा है कि सिक्स इंटू सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31। तो आप देखिए 59 31 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो कहेंगे हाँ इसका मतलब कॉट क्या हो जाएगा, टेन बन जाएगा, टेन स्क्वायर 59 हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। यहां तक अब यहां पे बात करते हैं, टू बाई थ्री साइन 91 माइनस थ्री टेन स्क्वायर कितना है, 56 है। अब देखिए 56 के साथ जो टेन स्क्वायर 34 है, 34 56 90 होता है, तो होता है, इसका मतलब उलट सकते हैं एंगल को, लेकिन टेन चला जाएगा कॉट में, स्क्वायर है कॉट और टेन कितना हो जाता है, गुणनफल वन, दोनों सेम एंगल है। मतलब यहाँ पे और कुछ भी एक चीज है, एक बीच में बाई दे दिया, बाई बीच में दे लास्ट में दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सिक्स है प्लस टू बाई थ्री है माइनस थ्री बाई है, और इसकी वैल्यू बोल रहा है बाई बाई थ्री है, आप इसको इधर लेके चले जाइए कितना हो गया, टेन बाई बाई थ्री, और यहां कितना आ गया, 18 दो 20 बटे 3। अब से क्या पूछ रहा था, बाई का वैल्यू दो निकल कर आ गया, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट में कुछ मिस्टेक किया हूं, क्या देख लेता हूं एक बार, 6 1 2 3 1 माइनस 3 वाई बराबर बाई बाई 3, और 3 हो जाएगा 9 एक 10 बाई बाई 3 और 6 18 दो 20 बटा, ठीक है, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ चार पांच क्वेश्चन तीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जल्दी, तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और मिलिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।